सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक लैपटॉप की सिलेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, आज की डेट में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप आ चुके हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज मैंने ही कुछ ऐसे गिने चुने लैपटॉप निकाल के रखे हैं जो कि आपको एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बढ़िया नहीं, यानी कि ये आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी से भी ज़्यादा हट के कुछ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर ऊपर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला लैपटॉप है उसका नाम है लेनोवो आइडियल पैड गेमिंग लैपटॉप। फ्रेंड्स, ये लैपटॉप आप देख सकते हैं, इस लैपटॉप में आपको राइजन 5 50 फिक 100H दिखे मिलेगा। उसके साथ ही 144Hz कि आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। देन इसमें आपको फ्रेंड्स राइजन का जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है उसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही इसमें एनवीडिया RTX 2050 का सपोर्ट मिलेगा जो कि 4GB में है। और उसके साथ ही आपको 3 मंथ का गेम पास जो है वो और भी ज़्यादा, यानी वो तो कुछ अलग ही एडिशनल ऐड कर दिया है। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी इसका प्राइस आपको 50,000 के अंदर देखने को मिलेगा। ये लैपटॉप अभी तक का सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें आपको गेम पास देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड लैपटॉप की तरफ। हमारा सेकंड लैपटॉप है MSI का GF63 Thin। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है जो कि आपको आई बटन के ऊपर शो हो जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको 11th जनरेशन i5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एक बड़ा बड़ा वेरिएंट था जिसमें आपको i7 देखने को मिलता था, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है करंटली। उसका प्राइस में ऊपर ज़्यादा कोई अंतर नहीं था, सिर्फ 5,000 का था ही, लेकिन वो आपको बढ़िया लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता था। इस लैपटॉप के ऊपर थोड़े समय पहले एक सेल चली थी जिसमें इसका प्राइस अराउंड 42,000 हो गया था, तब आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ये आपको इस प्राइस के ऊपर GTX 6050 4GB ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ ही आपको इसमें विंडोज 11 मिलेगी और 512GB की NVMe SSD और 11th जनरेशन का i5 जो कि आपको एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसका वेट आपको 1.86 kg देखने को मिलेगा। आप जरा इसकी लुक की तरफ देख सकते हैं, इसमें इंटेल लगा हुआ है, ये आपको सिंपली गेमिंग और प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप किया है। इसमें आपको PCIe Gen 4 SSD देखने को मिलेगी, यानी कि 3x4 का मतलब होता है 4th जनरेशन। आप इसका 360 एंगल भी देख सकते हैं। देखिए इसकी लुक वाइज भी एकदम बढ़िया है। इसके पीछे आपको एक HDMI का पोर्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपको 4K 60Hz की आपको डिस्प्ले ऊपर ले सकते हैं। साइड में आपको एक क्या कहते हैं उसको थंडरबोल्ट की पोर्ट देखने को मिलेगी और उसके साथ ही आपको साइड में USB 2.0 और यहाँ पर USB 3.0 की पोर्ट देखने को मिलेगी जो कि एकदम बढ़िया लेवल की आपको डिस्प्ले या स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। देन हमारा सबसे थर्ड लैपटॉप है, उसका नाम है MSI Bravo। इस लैपटॉप की जितनी तारीफ की जाए ये उतनी कम है क्योंकि ये लैपटॉप एक तो आता है 54,000 के अंदर। देन इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 7th जनरेशन देखने को मिलेगा जो कि HS सीरीज का है। HX सीरीज इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको 144Hz के डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि हमारी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz होगा जिसमें कि एकदम हम गेमिंग कर सकते हैं। देन आपको इसमें आपको RTX 2050 देखने को मिलेगा जो कि GDDR6 4GB का ग्राफिक कार्ड होगा और उसी के साथ इसकी आपको डिस्प्ले Full HD देखने को मिलेगी, एकदम फुल है। ये देखिए ये लड़की यहाँ पर जिनचिन इंपैक्ट खेल रही है, मैं खुद भी जिनचिन इंपैक्ट बहुत खेलता हूँ, ये उसके लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। इसकी कीज़ भी एकदम परफेक्ट है, इसकी स्मूथनेस की तो कुछ बात ही छोड़ी चाहिए। इसमें 8GB देखने को मिलेगी, 8GB DDR4 होगी, DDR3 नहीं DDR4, यानी कि DDR4 की मतलब है कि ये आपकी रैम जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये स्मॉल सी वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।